स्वतंत्रता दिवस पर निबंध प्रस्तावना 15 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन जब भारत आजाद हुआ। अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए। हमें 200 साल की गुलामी से आजादी मिली थी, लेकिन यह आजादी और भी कई मायनों में जरूरी और अलग थी। हम अब ना तो शारीरिक रूप से गुलाम थे और ना ही मानसिक तौर पर। हमें खुल के बोलने, पढ़ने, घूमने हर क्षेत्र में आजादी मिल गई थी। अंग्रेजों का भारत आगमन, बात उन दिनों की है जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज व्यापार करने भारत आए। उस समय यहाँ मुगलों का शासन था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाया और कई राजाओं को धोखे से युद्ध में हरा के उनके क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। 18वीं सदी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अपना वर्चस्व स्थापित कर अपने आसपास के क्षेत्रों को वशीभूत कर लिया। भारत एक गुलाम के तौर पर, अंग्रेजों के भारत पर कब्जे के बाद हम अपने ही देश में गुलाम थे। शुरू शुरू में अंग्रेजों ने हमें शिक्षित करने या हमारे विकास का हवाला देकर हम पर अपनी चीजें थोपना शुरू की। फिर धीरे धीरे वह उनके व्यवहार में शामिल हो गया और वे हम पर शासन करने लगे। वे मनमाना लगान वसूलते और जो मन उसकी खेती करवाते, जैसे नील की खेती। अंग्रेजों ने हमें शारीरिक, मानसिक हर तौर से प्रताड़ित किया। इस दौरान कई युद्ध भी हुए, जिसमें सबसे प्रमुख था द्वितीय विश्व युद्ध, जिसके लिए भारतीयों को सेना में जबरन भर्ती किया गया। भारतीयों का अपने ही देश में कोई अस्तित्व नहीं रह गया। अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग जैसे नरसंहार को भी अंजाम दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना। इस संघर्षपूर्ण वातावरण के बीच 28 दिसंबर 1885 को 64 व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई, जिसमें दादा भाई नौरोजी और एओ ह्यूम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। धीरे धीरे क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जाने लगा। लोग बढ़ चढ़कर पार्टी में भाग लेने लगे। इसी क्रम में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना भी की गई। ऐसे ही कई दल सामने आए और उनके अतुल्य योगदान का ही नतीजा है कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिसके लिए कई वीरों ने गोली खाई और कईयों को तो फांसी हुई। सांप्रदायिक दंगे और भारत का बंटवारा। इस प्रकार देश को अंग्रेज छोड़ के तो चले गए और हम आजाद भी हो गए, परंतु एक और जंग अभी देखना बाकी था, जो कि थे सांप्रदायिक हमले। स्वतंत्रता प्राप्त करते ही सांप्रदायिक हिंसे भड़क उठे। नेहरू और जिन्ना दोनों को ही प्रधानमंत्री बनना था। नतीजा, देश का बंटवारा हुआ। भारत और पाकिस्तान नाम से एक हिंदू और एक मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना हुई। गांधी जी की मौजूदगी से इन हमलों में कमी तो आई, फिर भी मरने वालों की तादाद लाखों की थी। एक तरफ आजादी का माहौल था तो वहीं दूसरी ओर नरसंहार का मंजर। देश का बंटवारा हुआ और क्रमशः 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। स्वतंत्र भारत व आजादी का पर्व। आजादी व बंटवारे के बाद हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस को अपने अमर वीर जवानों एवं दंगे में मारे गए निर्दोष लोगों को याद करके मनाते हैं। अमर जवानों की कोई निश्चित गणना नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब शामिल थे। पूरा देश एकजुट था, तब जाकर ये सपना साकार हुआ। हाँ, कुछ प्रमुख देशभक्त ऐसे थे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जिन्हें फांसी हुई थी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे। महिलाएं भी इस काम में पीछे ना थी, जैसे कि एनी बेसेंट, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू व अन्य कई। आजादी का रंगीन पर्व। स्वतंत्र भारत में इस पर्व को मनाने के तरीके अलग अलग हैं। हफ्ते भर पहले से बाजारों में रौनक आ जाती है। कहीं 3 रंगों की रंगोली बिकती है तो कहीं 3 रंगों की लाइटें। पूरा समा ही मानो इन रंगों में समा जाता है। कहीं पर खुशी का माहौल होता है तो कहीं देशभक्ति के गीतों की झनकार। पूरा देश नाचते गाते इस उत्सव को मनाता है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी बड़े जोरों शोरों से की जाती है। लाल किले के प्राचीर से हर वर्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं। उसके बाद राष्ट्रगान एवं भाषण के साथ कुछ देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका आनंद हम वहां प्रस्तुत होकर या घर बैठे वहां के सीधे प्रसारण से ले सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस मौके पर सारे स्कूल, कॉलेज, कार्यालय सब बंद रहते हैं। यह एक ऐसा पर्व है जिसे पूरा देश एकजुट होकर मनाता है। निष्कर्ष।
जैसे कि स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इस दिन के लिए राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय सब बंद रहते हैं, लेकिन यह लोगों का उत्साह ही है जो इस दिन को मनाने के लिए सब एकजुट हो जाते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। तिरंगा फहराया जाता है और मिठाइयाँ बांटी जाती। भारत के राष्ट्रीय पर्व पर अधिक जानकारी के लिए सामने स्क्रीन पर आ रही प्लेलिस्ट को देखिए।